देखिए बिहार शिक्षक भर्ती फॉर्म भरते समय बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं। सवालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कई सवाल हैं, कक्षा 6 से 8 के लेवल को लेकर वर्ग 9, 10, 11, 12 और अदर स्टेट के लिए अलग से सवाल आ रहे हैं, और उन सभी सवालों के साथ सीटेट में 82 या 90 होगा। हम विषयों का चयन कैसे करेंगे? बीटीसी बी डीएलएड कौन किससे में अप्लाई कर पाएगा? अपेयरिंग पास का मामला क्या है? मार्कशीट में अगर कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अदर राज्य वालों के लिए क्या क्या मौका है? और यहाँ पर जो बीएड अपेयरिंग है, क्या ये भी अपेयरिंग के लिए होगा कि नहीं होगा? कहाँ कहाँ सीटेट जरूरी है और कहाँ कहाँ यहाँ पर एस्टेट जरूरी है, माने किन किन जगह आपको एस्टेट जरूरी है, ठीक है? इन सभी पर एक एक करके हम पूरा चर्चा करेंगे, ठीक। और हर प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। पासिंग मार्क क्या होना चाहिए, विषय का चयन कैसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में अलग सब्जेक्ट है, पीजी में अलग सब्जेक्ट है, 50% से कम है, और उसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं। मान इस वीडियो सेशन के अंदर आपको बिहार शिक्षक भर्ती जुड़ा हुआ सभी सवालों के एक एक करके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरी चीजें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 82-90 को जो कट ऑफ, जो इसकी पासिंग मार्क है ना, उसी को लेकर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, उसको भी देखेंगे, पूरी क्लियर करेंगे हर एक बात को। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और कोशिश करेंगे वीडियो को लाइक करने का, पैसे आपके नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए जहां पे 6 से 8 शब्द आएगा मैं वहां पे जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करूंगा, जहां पे 11-12 आएगा वहां पे मैं पीजीटी, 9-10 को टीजीटी। सबसे पहले हम वर्ग 6 से लेकर 8 तक की हम बात करते हैं। जब हम वर्ग 6 से लेकर 8 की बात करेंगे, यूपीएससी 2.0 बिहार शिक्षक भर्ती है, जूनियर शिक्षक भर्ती जो वर्ग 6 से लेकर 8 तक है, इसकी सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं। योग्यता में देखिए दो स्ट्रीम होते हैं, दो स्ट्रीम, एक साइंस होता है, एक एसएसटी होता है। तो साइंस स्ट्रीम में कौन कौन आते हैं, जो बीएससी किए हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हो, मतलब जो बीएससी किए हैं, जिन्होंने बीटेक किया है, माने बीटेक बीएससी एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से हैं वो भी साइंस स्ट्रीम में ही आते हैं। लेकिन साथ साथ जो बीसीए किए हैं, बीसीए, तो बीसीए जो है वो कुछ लोग साइंस स्ट्रीम में भी फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग आर्ट में भरते हैं, मतलब वो कॉमन है, वो दोनों में भर सकते हैं। बाकी जो बीबीए हैं, बीए हैं, बीकॉम है, बीसीए हैं, ये एसएसटी में सीटेट फॉर्म भर सकते हैं। मतलब सीटेट जो उनका है वो एकदम आपको समझ में आ गया होगा कि सीटेट कौन किस में जाएगा, साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो साइंस से है और एसएसटी से सीटेट पास है जूनियर, और कुछ साइंस से है और एसएसटी से सीटेट पास है, उनके लिए क्या होगा? वो तो कह रहे मैं तो योग्यता धारण किया हूं, तो उनके लिए क्या है? देखिए ये रिस्क है, आप आवेदन करिए, अपेयरिंग में फॉर्म आवेदन कर दीजिए। अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं, अगर सीटेट आता है, सीटेट पास हो जाते हैं, तो आप वो डिग्री लगा दीजिएगा। नहीं लगाते हैं तो अपने इस डिग्री से आप बात कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत होगा तो एफिडेविट लगाएगा कि सर मैं सीटेट तो पास हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत सलाह है और कितना लीगल है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान समय में आपके पास यही रास्ता है, क्योंकि आप जिस स्ट्रीम से थे उसी स्ट्रीम से आपको सीटेट पास करना चाहिए था। फिर भी ये सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए अगर किसी अन्य स्ट्रीम से भी पास हो गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये है कि चीजों को आपको समझना पड़ेगा, चीजों के अंत तक बने रहना पड़ेगा। एक चीज आपके लिए क्लियर हो गया कि सीटेट पेपर 2 में एसएसटी कौन लेगा और मैथ साइंस कौन लेगा। एसएसटी के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एसएसटी वाले जो होंगे, बीए वाले एसएसटी होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उनका, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया और बीसीए होगा, ये होंगे साइंस आर्ट स्ट्रीम के, सामाजिक विज्ञान के। और दूसरा जो विज्ञान वर्ग का आता है, जो विज्ञान और गणित वर्ग जो होते हैं सीटेट जिसमें होंगे, वो बीएससी हो गए, बीटेक हो गए, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो भी आते हैं, और कई जगह कुछ ऐसे भी हैं जो बीसीए दोनों भरते हैं, मैंने बताया बीसीए दोनों भर लेते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे कि होम साइंस से, होम साइंस से वो यूजी हैं एक सब्जेक्ट से, तो वो साइंस में जाएंगे या कला वर्ग में जाएंगे एसएसटी में? तो ध्यान रहे वो कला का विषय, जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो साइंस में भी पढ़े जाते हैं और आर्ट में भी पढ़े जाते हैं, जैसे मैथ दोनों में पढ़ा जा सकता है, आपकी साइकोलॉजी है ये दोनों में पढ़ी जाती है, एजुकेशन है और एक सब्जेक्ट एजुकेशन साथ नहीं है, और आपका होम साइंस है ये साइंस और आर्ट दोनों में पढ़ा जाता है। इसलिए ये हो गया आपका सीटेट पेपर भरने का तरीका। दूसरी सवाल आ रही है कि सर सीटेट कितने नंबर पर पास है, 82 या 90? पीछे भी मैंने वीडियो बनाया था, अभी भी बताया था, सीटेट की मार्कशीट पर अगर आपके पास लिखा है, अगर सीटेट की जो मार्कशीट है उस पर अगर पास लिखा है, इसका मतलब आप पास हैं। अपनी कैटेगरी में अगर आप
क्योंकि 82 प्लस पर ही जो पास है तो 82 प्लस हो गया, जो 90 प्लस पे पास है वो 90 प्लस पर हो गया। कुछ लोग कहना कि मैं बिहार जाऊंगा तो फिर जनरल काउंट होगा। जी हाँ, बिहार की परीक्षा में बेशक आप जनरल काउंट होंगे, लेकिन जो आपकी परीक्षा है उसमें आप अपने कैटेगरी में पास है या नहीं। अब इसके लिए मैं छोटा सा इसका प्रूफ है वो आप देख लीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं आप सभी के सवाल भी ले लूंगा, एकदम ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति शायद आपको साफ स्पष्ट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो टेलीग्राम पे मैं इसे डाल दूंगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगी, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये बिहार लोक सेवा आयोग का जारी किया गया आवश्यक सूचना शुद्धि पत्र, इसको ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिन 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या यह है, ध्यान से समझिएगा, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये टेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये टेट की बात कर रहा है, ये टेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये टेट की बात कर रहा है। अब अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर फर्स्ट मैंने यहां पर हो गया सीटेट हो गया, और दूसरी तरफ होगा बीटेट, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बीटेट। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट और बीटेट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत उत्तीर्ण हो, ध्यान से समझिएगा, उत्तीर्ण हो, उत्तीर्ण हो का मतलब क्या हो, पास हो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण हो, ध्यान समझिएगा, यहां पे उत्तीर्ण हो, पास हो, कहीं पे नंबर का जिक्र नहीं किया गया, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, उत्तीर्ण हो के संबंध में शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान के अनुसार सामान्य कोटि, ध्यान दीजिएगा, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि उम्मीदवारों के लिए 55%, माने जो भी महिला उम्मीदवार है, ध्यान दीजिएगा, जो महिला उम्मीदवार हैं उनको कितना लाना है 55%, तो जो 55% होता है अर्थात 82 नंबर जिसे हम 55% के नाम से समझते, मतलब उसका 55% होगा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा कोटि उम्मीदवारों के लिए 50% के अंक आधार पर उत्तीर्ण होना। तो जो महिला उम्मीदवार है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो सामान्य कैटेगरी के हैं, किसी भी कैटेगरी की, अब आपके मन में आएगा कि जो यूपी में महिला सामान्य है, जनरल है, वो तो 90 नंबर पे सीटेट पास है, अगर 88 होगा तो सीटेट फेल हो गई, लेकिन सामान्य कैटेगरी अगर महिला फेल भी है तो बिहार में सरकारी शिक्षक बन सकती है, अगर उसके 83 या 84 नंबर है, 82 नंबर है तो भी बिहार में शिक्षिका बन सकती है बेशक, क्योंकि सीटेट जब पास होंगे तभी आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आती है, आप केवल मार्कशीट के आधार पर वहां शिक्षक बन सकते हैं। यहाँ पर एकदम साफ स्पष्ट किया, कहीं पर भी अंकों का जिक्र नहीं किया गया, एक लाइन जो यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि पास होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा उत्तीर्ण होना चाहिए, एक बात देखिए उत्तीर्ण हो, कहीं भी नंबर का जिक्र नहीं किया गया है। अब दो बातें हैं, कुछ लोग कहेंगे सर नंबर जिक्र नहीं किया गया, बाहर कर दिया गया तो क्या होगा, देखिए आपके सामने एक रिस्क है, आप सिलेक्शन लेना है, परीक्षा देनी है और वहां जाके नियुक्ति लेनी है, और अभी भी परीक्षा जिन्होंने दिया है उनके परिणाम भी जारी हुए हैं, और बहुत सारी महिला ऐसे जिन्हें मैं जानता हूं 82+83/84 पर भी उन्होंने ज्वाइन किया है और इस समय बिहार में ट्रेनिंग भी ले रही हैं, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला के रखते हैं कि 90 पर ही होगा आपका, तो ऐसा नहीं है। और देख लीजिए, आपको अगर लगता है कि 90 से कम है तो अपेयरिंग में अप्लाई कर दीजिए, बाद में संशोधन का मौका मिलता है, अगर आप सीटेट पास हो गए तो उसकी मार्कशीट लगाइएगा, नहीं होते इसको लगाइएगा, अगर नौकरी मिलेगी तो अच्छी है, नहीं मिलेगी तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको 700-800 रुपए जाएंगे फॉर्म भरने का, तो मेरा व्यक्तिगत राय है, माने ना माने, तो यहां पर एक बात साफ है कि आप 82 प्लस और जो सामान्य अभ्यर्थी अपने कैटेगरी पास है वो 90 अंक अर्थात 60% पर होगा, ठीक, यहां पे 82 अंक, ठीक, ये 82 अंक है 90 अंक, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, इसलिए एकदम स्पष्ट ये है कि कोई महिला उम्मीदवार है अगर अपनी कैटेगरी में पास है तो यकीन मानिए वो बिहार शिक्षक भर्ती पूरी तरह से पात्र है। अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों से मेरी कुछ बात हुई जो बिहार में काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उनको लिए भी कहा गया है कि जो ऐसे अभ्यर्थी थे जो जिनके 90 से कम थे और पास थे उनको भी मिल रहा है, कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा सर मेरा नहीं लगा, तो उनके रिजल्ट में नाम न आने के कई कारण हो सकते हैं, केवल यही कारण नहीं है, उसके हो सकता है उन्होंने बीएड किया हो, उन्होंने क्या किया हो, इसलिए यहाँ पर ये चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और एकदम मैंने समझा दिया कि सीटेट और बीटेट को लेकर है, और अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप अपने कैटेगरी पास हैं तो आप आवेदन करिएगा, ये मेरी सलाह है, माने ना माने आपके ऊपर, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ज्यादा पूछा जाता था, इसलिए अब यहाँ पे फिर सवाल आएगा कि सर मैं अपेयरिंग में भर दिया, सीटेट दिसंबर में अगर नहीं हुआ तब, अब ये भी जानिएगा, आपने देखा अगर सीटेट अपेयरिंग अप्लाई कर रहे हैं, अब कहेंगे सर सीटेड अपेयरिंग मान्य होगा कि नहीं, वो भी मैं दिखा दूं आपको, कि कुछ लोग कह रहे हैं अपेयरिंग मान्य होगा कि नहीं, यहां भी देख लीजिएगा, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना का सूचना है,
अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित केंद्र सरकार अहु शिक्षक पात्रता परीक्षा, ध्यान दीजिएगा, अगर साफ न दिखे टेलीग्राम में डाल देंगे, कह रहा है कि निमौली के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर फर्स्ट जिनकी परीक्षा जुलाई 2023 में निर्धारित है, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इस वर्ष 1 से 5 तक के लिए विद्यालय में अध्यापक पद के लिए आहूत होने वाली परीक्षा में शर्त के साथ सम्मिलित की अनुमति प्रदान की जाती है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक, माने जब प्रकाशित हो जाए अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थियों का अनुमन, माने जिस समय अंतिम रिजल्ट होगा, जिस समय अंतिम रिजल्ट आने वाला होगा उससे पहले आपको सीटेट है या बीटीसी बीएड है या आपकी कोई भी डिग्री है वो उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है अगर परीक्षा की डेट हो सकता है टल जाए, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का परिणाम तब तक नहीं आया जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आ गया, इसलिए इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि घबराइए नहीं, अपने स्वविवेक का प्रयोग करिए, यकीन मानिए अगर आप धैर्य रखेंगे तो हर चीज पॉसिबल है, अन्यथा हर चीजों में आप कमियां निकालते रह जाएंगे। ठीक, अब यहां तक मैं आपके सवाल भी ले लूंगा जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को। फिलहाल यहां तक मैं समझ सकते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया तो वाई लिखेगा, ये 82 और 90 कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने एकदम स्पष्ट रूप से समझा दिया। और यहां पर आप अपने ऊपर हैं, आप फॉर्म आवेदन करेंगे नहीं करेंगे, आपको लगता है 90 ज्यादा आवेदन करना है तभी करिएगा, और आपको लगता है लाइफ में रेस्ट लेनी चाहिए तो रेस्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि रेस से घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं। तो यहां पर 82-90 कॉन्सेप्ट जो था मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया, अब स्वतः मैं नहीं समझ सकता आपको यहाँ पर होगा, ठीक, अगर 90 प्लस है ठीक है, नहीं है तो हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरी मैथ साइंस वर्ग के लिए, अब यहाँ पर एक और बात आ रही है, SST के लेकर विषय का चयन कैसे होगा, इस पर भी आपको मैं समझाना चाहूंगा, जैसे SST और मैथ साइंस। अब देखिए कुछ लोग कहना यह है कि सर अगर मैं SST से पास हूं तो मैं क्या क्या ले सकता हूं। अब यहां पे जूनियर शिक्षक भर्ती में आप SST का भी चयन कर सकते हैं और प्लस भाषा वाला भी विकल्प ले सकते हैं, माने प्लस क्यों कहें, इस तरह से भाषा का भी चयन कर सकते हैं, माने जो SST से सीटेट पास है ठीक वो SST का भी चयन कर सकता है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, वो भाषा चाहे हिंदी उर्दू संस्कृत अंग्रेजी जो भी भाषा है उसका भी चयन कर सकता है। ठीक, अब ग्रेजुएशन में अगर उसने कोई विषय पढ़ा, जैसे हिंदी पढ़ा तो हिंदी ले सकता है, उर्दू पढ़ा तो उर्दू ले सकता है, नहीं पढ़ा है तो वह SST सोशल ले सकता है, माने भाषा हो सकता है वो उर्दू पढ़ा हो हिंदी पढ़ा हो अंग्रेजी पढ़ा फिर भी वो SST ले सकता है। ठीक, SST वालों के लिए SST के लिए छूट होती है, वो साथ में भाषा भी ले सकते हैं। वैसे इसकी जो अंतिम विज्ञप्ति आएगी, मतलब जब इसकी पूरी कंप्लीट विज्ञप्ति आएगी उसमें और भी सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया आपका भाषा, मैथ साइंस वाले मैथ साइंस लेंगे। एक सवाल ये है कि मैथ के लिए अलग और साइंस के लिए अलग भर्ती है, अभी तक जो विज्ञप्ति जो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी तक जो प्रथम दृष्टया विदित हो रहा है कि गणित के लिए अलग विज्ञान के लिए अलग आएगी, गणित वालों के लिए गणित और विज्ञान वालों के लिए विज्ञान आएगा। तो यहां तक भी ये कॉन्सेप्ट था वो मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा कि ये इसको अभी क्वेश्चन मार्क बना के रखिए। अगर आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी लेंगे तो मैथ वाले मैथ साइंस वाले साइंस लीजिएगा, जैसे एक हफ्ते में या 2-4 दिन क्लियर होगा आपको दोनों नोट्स मिल जाएगी। ठीक, अब इसका पेपर का पैटर्न क्या है ये भी समझ लीजिएगा, पेपर का पैटर्न भी एक बार आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपके सवाल भी लूंगा, एकदम परेशान ना हो आप लोग। अब जैसे यहां पे भाषा हो गया तो भाषा में केवल पास करना है, कितने परसेंट अंकों साथ 30% अंकों से पास करना है, लेकिन जो भाषा है उसमें 30% अंक लाना है, चाहे वो जूनियर के लिए दिए चाहे TGT के लिए दीजिए PGT के लिए, यहां पे केवल आपको पास करना है, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम अभी सभी सवाल लेंगे। ठीक, अब दूसरी चीज देखिएगा, भाषा आपके हो गया, यहां पे समझने का प्रयास करिएगा, मैं एकदम पूरा समझा रहा हूं भाषा। अब भाषा आपको दो चुनना होगा, भाषा जो होगा भाषा के 100 नंबर के होंगे, 100 में क्या होंगे 25 अंग्रेजी कंपलसरी है और 75 हिंदी है उर्दू है, और हिंदी उर्दू अंग्रेजी है इसमें, सॉरी हाँ हिंदी है उर्दू है और शायद बांग्ला है, इनको मिलाकर आपका 100 है, इसमें से आपको 30% लाना है। पेपर जो होगा MCQ होगा, पेपर जो होगा पूरी तरह से MCQ होगा, इसलिए यहां पर जब तक इस पेपर को नहीं पास करेंगे आपकी अगली कॉपी नहीं जचेगी। दूसरा जो पेपर है वो आपका विशेष होगा, दूसरा जो होगा ये पेपर फर्स्ट हो गया मान लीजिए, अब पेपर सेकंड की हम बात करते हैं, जो पेपर सेकंड है इसमें देखिए इसमें दो सेक्शन होगा, इसमें भी क्या होगा एक 40 नंबर होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा, दूसरा है 80 नंबर। 40 नंबर क्या सबके लिए कॉमन है, सभी के लिए जितने भी लोग चाहिए 40 नंबर का पेपर, चाहे PRT दीजिए चाहे जूनियर दीजिए चाहे TGT दीजिए, सभी के लिए कॉमन है, इसके लिए सभी को अनिवार्य भी है, करें या ना करें आपकी मर्जी। इसमें GS है, GK है, विविध है, करंट अवेयरनेस है, बिहार है। ठीक, इसमें भी कुछ चीज देखिए, अब जितना सिलेबस दिया गया है पेपर का पैटर्न एकदम अलग आता है, मेरी बात समझिएगा, BPSC जो है ना एकदम स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न पूछती है, इसलिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने से
से एकदम परहेज करिएगा, किसी के बैच नहीं सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा। अगर आपको समझ में नोट्स बेहतर ठीक है, वरना खुद से पढ़ने का प्रयास करिएगा, एकदम ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा जो आपका ये विषय होगा, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देख लीजिएगा, जो एसएसटी से पास है वो एसएसटी ले सकता है, या एसएसटी में कौन कौन सी भाषा, अब एसएसटी आ गया, एसएसटी में कौन कौन से विषय ले सकते हैं इसको समझ लीजिए आप। एसएसटी में इसमें चारों विषय आपको लेना है। इसमें क्या है, चारों। इसमें इकोनॉमिक से भी सवाल आएंगे, जियोग्राफी से भी सवाल आएंगे, सिविक्स से भी सवाल आएंगे, हिस्ट्री से भी सवाल आएंगे। मतलब इसमें इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स चारों से सवाल आएंगे। अब इसका जो स्टैंडर्ड है वो एनसीईआरटी है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा स्टैंडर्ड जो इसका क्या है, वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी कहां से कहां तक पढ़नी है, 6 से लेकर 8 तक कहा है, लेकिन आपको जो पढ़नी है वो 6 से लेकर 10 तक। एनसीईआरटी कहां पढ़नी है, 6 से लेकर 10 तक, समय हो तो 12 तक पढ़ लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपसे प्रश्न 10 और 12 लेवल तक का भी पूछ सकता है। और किताबें अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, ओल्ड, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी ओल्ड पढ़नी है, एनसीईआरटी ओल्ड पढ़नी है। ओल्ड एनसीईआरटी क्यों जरूरी है ये भी समझिएगा, कि जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स कम हो गए हैं। जो चैप्टर्स कम हो गए हैं तो बीपीएससी से थोड़ी है कि आपको कम चैप्टर सवाल पूछेगी, वो तो पूरे पैटर्न से पूछेगी। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी लेंगे वो थोड़ी मोटी होगी, उसमें सिलेबस भी थोड़ा बड़ा होगा, टॉपिक ज्यादा होंगे, तो उसको पढ़िएगा। क्योंकि कोविड के बाद से एनसीईआरटी अपडेट जब से हुई है तो सिलेबस को छोटा कर दिया गया है, तो जब सिलेबस छोटा हुआ तो किताबें हो गई। तो अगर आप नोट्स होगा, ये लनी दुर्गे से जो नोट्स है वो ओल्ड और न्यू दोनों से बना है, उसमें ओल्ड भी है और न्यू, दोनों नोट्स मतलब दोनों आपको मिल जाएंगे, ओल्ड और न्यू। अगर आपको लगता है कि समय बचाना है तो नोट्स बेस्ट है, नहीं तो आप किताब पढ़िए खुद का। और एक भी ध्यान दीजिएगा, इसको सिलेक्शन कैसे लेना है, एक दिन में पूरी किताब खत्म करनी, जैसे हिस्ट्री है एक दिन में हिस्ट्री खत्म, एक दिन में ज्योग्राफी, एक दिन में इकोनॉमिक, एक दिन सिविक्स, पूरा दिन पढ़िएगा जब तक वो विषय समाप्त ना हो जाए। और एक हाइलाइटर रखिएगा, हाइलाइटर हाईलाइट करते चलिएगा, चाहे आप किताब पढ़ रहे हो चाहे आप नोट्स पढ़ रहे हो। अब उससे जुड़ा प्रश्न को सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा एनसीईआरटी में भी जो प्रश्न होते हैं वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। नोट्स जो है उसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी परीक्षा की भाषा पकड़ में आ जाएगी। हूबहू एनसीईआरटी सवाल नहीं आता, अब एनसीईआरटी की अगर आपको भाषा समझ में आ जाएगी तो आपको परीक्षा में इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा कि पेपर में सवाल कहां से पूछा है, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। इसलिए एकदम इस बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड आपको ध्यान देना है, एनसीईआरटी के भाषा को ध्यान देना है। उसके साथ साथ आप सबकी प्रैक्टिस पर फोकस करेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। सरल प्रश्न को गलत नहीं करना है और कठिन प्रश्न को ज्यादा ज्यादा सही करना है, इसी धारणा पर आपको चलना है। और जो विषय आपका स्ट्रांग है उसे रिविजन करिएगा, जो वीक है उसे आप मेहनत करेगा, उसके थ्योरी पर फोकस करेगा, कौन से टॉपिक ऐसी है। 30 दिन बचा है, सकता है भगवान करे डेट आपके लिए बढ़ जाए, लेकिन 30 दिन में आप किसकी तैयारी करनी है। तो ये हो गया आपका जूनियर। अब मैं एक बार सबके कमेंट ले लेता हूं कि जूनियर शिक्षक भर्ती से आपके मन में और क्या क्या सवाल है। हिंदी के लिए कुछ बताइए, हिंदी के लिए देखिए, हिंदी अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं, विषय अगर मैं हिंदी की बात करूं जूनियर में, अगर कोई व्यक्ति हिंदी लेता है, इसमें अगर कोई हिंदी लेता है तो हिंदी में देखिए, पहले तो ग्रामर आएगा, व्याकरण पूरा आएगा, उसके बाद साथ साथ ग्रामर के साथ साथ साहित्य भी आपको पढ़ना है। साहित्य का सामान्य जानकारी नहीं होगा तो फिर आप पेपर नहीं कर, क्योंकि 80 सवाल आपकी भाषा से आएगी। हिंदी व्याकरण के साथ साथ साहित्य होना जरूरी है। तो जो नोट्स आप इलनी विद दुर्गेश में मिलेगा हिंदी के, वो साहित्य का भी होगा, ग्रामर का होगा, वही साहित्य आपके पीजीटी वाले में भी काम करेगा, पीजीटी में, क्योंकि बीपीएससी जब लेप कराती है तो ये नहीं देखती कि आप किस लेवल के हैं। परीक्षा सबके लिए होगा तो कठिनाई स्तर सबके लिए है, कम लोग अटेंड करेंगे तो मेरिट कम जाएगी, इसलिए उसकी कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर देखिए। पिछली बार से कठिन तो नहीं होगा, सरल होगा, लेकिन इतना भी हलवा नहीं होगा जितना मैं आपको कह दे रहा हूं, जितना आप सोच कर बैठे हैं अरे ठीक है हमारा तो हो जाएगा, इस बार तो मेरी नौकरी लग गई, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आपकी मेहनत से आपका सिलेक्शन होगा, कोई जादू घुट्टी नहीं कि आपको दे देगा कोई और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचिएगा, बिना मेहनत के आपके नहीं होगा। अगर आपकी मेहनत इतनी सी भी कमी रह गई ना, सिलेक्शन नहीं होगा। पॉइंट में भी लोग हुए, कट ऑफ पे आने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनके नाम और डेट ऑफ बर्थ अल्फाबेट की वजह से भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये सोचिए, ये किस्मत होती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा है, 6 से 8 तक में सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। आप किस सब्जेक्ट भरना चाहते हैं भर सकते हैं, एसएसटी है तो एसएसटी भर सकते हैं, भाषा भर सकते हैं, विज्ञान स्ट्रीम से हैं तो साइंस और मैथ भर सकते हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि दोनों होगा एक होगा, उसमें आप भर सकते हैं।
सीटेट अपेयरिंग लेगा, मैंने बता दिया सीटेट अपेयरिंग अप्लाई कर सकता है, अगर महिला 82+ पास है तो ठीक है, पुरुष के लिए भी शायद 82+ ही है, या अभी बिहार में मैंने बात की कुछ लोग ज्वाइन किए, कुछ लोग को पेंडिंग है, तो पेंडिंग वाले कुछ तो बीएड के अभ्यर्थी थे जिनको रोक लिया गया उन पास थे, लेकिन अभी ये पूरी तरह दो चार दिन में एकदम स्पष्ट हो जाएगी। ये मान के चलेगा कि 82+ जितनी भी महिलाएं पास है वो आवेदन कर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी एक दो महिला ऐसी भी हैं जो सीटेट फेल है लेकिन 82 ज्यादा है, वो भी बिहार में काउंसलिंग करा ली क्योंकि उसकी नियमावली के हिसाब से वो पास है, वो योग्य है। तो ये और अगर कुछ यूट्यूबर 90+ बता रहे थे वो फॉर्म न भरी होती तो नौकरी भी ना मिलता, इसलिए लाइफ में रिस्क जरूर लीजिएगा। ठीक, बाकी मेरी आपकी मर्जी, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, कोशिश करिएगा माने या ना माने। आगे है बीए में लास्ट में सोशियोलॉजी एंड होम साइंस है, मैं सब्जेक्ट फॉर्म फिलअप करूं, अगर सोशियोलॉजी है और होम साइंस है तो आप एसएसटी ले सकते हैं। और कोई सवाल, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, और कोई है अगर आपके सवाल फटाफट पूछ लीजिएगा और आप वीडियो को शेयर जरूर करेगा। सीटेट में बिहार में फीमेल अदर स्टेट की भी जो जा रही है अपनी कैटेगरी में पास है तो वो 82+ है। मैं आपको बताया ना ऐसे आश्चर्यजनक हैं जो यहाँ उन्होंने फॉर्म भर दिया था और भरने के बाद उनका काउंसलिंग हो गया, अब मैं जिले का नाम नहीं लूंगा, उन जिले में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ठीक, बाकी आपकी मर्जी। बीसीए वालों को मैंने एकदम स्पष्ट बताया, वीडियो शुरू में जाएगा, मैंने बीसीए के बारे में बताया, बीसीए जो है वो साइंस स्ट्रीम में भी जा सकता है और कला वर्ग में एसएसटी में भी जा सकता है, आप चाहे जिस स्ट्रीम में पास हो और कोई दूसरे स्ट्रीम में भी पास है, जैसे कोई साइंस मैथ का है वो एसएसटी से सीटेट पास है, एसएसटी वाला मैथ से पास है, वो भी ना घबराए, अपेयरिंग में फॉर्म भर दे, अगर पास हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसी डिग्री का भी यूज कर सकता है। ये मेरे व्यक्ति का सलाह है। इंग्लिश के लिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में भी क्या है, ग्रामर है, लैंग्वेज इतने भी है, उसमें ग्रामर लिटरेचर दोनों मिलाकर है, इसलिए दोनों आपको पढ़ना है। ये 40 नंबर सबके लिए कॉमन है, चाहे जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हो आप। ठीक, और कोई सवाल है? देखिए नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि देखिए समय कम है, आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स जरूरत पड़ेगी तो एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, ये नोट्स ओल्ड और न्यू होंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ आपके महत्वपूर्ण जो हेडिटेड नोट्स है वो भी आपको इसके साथ साथ मिल जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी कॉमन है। मैं फिर से कहूंगा एनसीईआरटी एक हफ्ते में पूरी खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी कवर करने के बाद जब विषय को पढ़ेंगे तब आपको यह समझ आ जाएगा कि जो प्रश्न की भाषा बीपीएससी की होती है वो एनसीईआरटी से ही मिलती जुलती है, और आपने देखा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत हुए सब एनसीईआरटी से हुए, एनसीईआरटी से साक्ष्य माना जाता है। वैसे आपकी मर्जी, ठीक है, जरूरी है एसएसटी में दोनों सब्जेक्ट तीनों साल हो, जरूरी नहीं है एसएसटी में, जरूरी नहीं तीनों साल आपको तब एसएसटी डाल सकते हैं। और कोई सवाल? हाँ, सोशियोलॉजी और एजुकेशन एसएसटी से डाल सकते हैं, मैथ स्टूडेंट हिंदी से अप्लाई कर सकता है, देखिए मैथ स्टूडेंट हिंदी से अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक, वह विषय जो भाषा है वो किस वो तीनों वर्ष पढ़ा होना चाहिए। अच्छा, ये स्टेट, अब मैं आगे चल रहा हूँ, कितनी मेरिट जाएगा उस पर मैं आगे बात कर लूंगा, वो तो आपके ऊपर है। हिंदी इंग्लिश के लिए गाइड कर दे, देखिए इसके बाद फिर मैं इसकी अलग वीडियो बना दूंगा जूनियर शिक्षक भर्ती की, यहाँ पे मैं आपके सवाल ले ले रहा था। ठीक, अब मैं चलता हूँ 9, 10, 11, 12, फिर मैं एक बार वापस आऊंगा। एग्रीकल्चर मैंने बताया, एग्रीकल्चर के बारे में तो मैंने बता दिया, सीटेट अपेयरिंग भर सकते हैं, बीटीसी बीएड अपेयरिंग भर सकते हैं, शर्त इतना है अंतिम परिणाम आने से पहले आपको पास होना जरूरी है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंच जाए, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने जो बाद में जोड़े वीडियो को शुरू से देख लेंगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, जो 48%, हाँ, ग्रेजुएशन जो 48% है उनके पास पीजी होना जरूरी है, अगर पीजी 50% प्लस है तो जाकर अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा उनका मान्य नहीं है। पीजी वालों के लिए भी स्टार लगा के सरते हैं, रिस्क पे अपने फॉर्म जरूर भरें। चलिए आगे चलते हैं, टोटल फॉर्म कितना पड़ेगा, वही देखिए बीटीसी बीएड जितने सीटेट पास है सब डालेंगे तो 3 लाख तो फॉर्म पढ़ने ही पड़ने हैं, 3 लाख फॉर्म पड़ेंगे, जूनियर सीटेट कम लोग पास है तो कम फॉर्म पड़ेंगे, और आपके लिए बढ़िया है, महिलाओं के लिए एकदम बढ़िया है, उनकी मेरिट भी कम जाती है। हाँ, बीसीए वाले भी डाल सकते हैं, मैंने बताया बीसीए बीबीए बीकॉम बीए एग्रीकल्चर बीएससी ये सभी आवेदन कर, कुछ छूट तो नहीं रहा बीबीए। अब हम चलते हैं 6 से 8 की तरफ, अगला चलते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे माध्यमिक, ये 9 से 10 के लिए, ये वर्ग इनका 9-10 हो गया। अब इस वर्ग 9-10 के बारे में जान लीजिएगा, इस वर्ग 9-10 के लिए सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, अब यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं शुरुआत में फिर सारी चीजें बता दूंगा। इनकी योग्यता में सबसे पहले आपके पास बीएड होनी चाहिए, पहली चीज बीएड, यहां पर बीटीसी डीएलएड ये मान्य नहीं है, केवल केवल बीएड के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड के वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जो स्टेट
पेपर फर्स्ट, जो यस्टेट पेपर फर्स्ट पास, इनके लिए सीटेट पेपर टू जरूरी नहीं, इनके लिए पेपर टू सिर्फ जरूरी नहीं है। एकदम क्लियर हो गया। अब ये विज्ञान वाले विज्ञान, गणित वाले गणित, यहां विज्ञान और गणित अलग अलग विषय चुन सकते हैं। सोशल में भी जो सोशल लेगा, ध्यान दीजिए मैं एसएसटी के लिए यहां बता दूं, अगर आप एसएसटी का चयन करना चाहते हैं एसएसटी के लिए कुछ चीजें ध्यान देनी होगी जो शायद आपको मेरे हिसाब से पता भी होंगी नहीं भी होंगी। जैसे यहां पर हो गया भूगोल, जियोग्राफी में लिख दे रहा हूं, ये जियो और हिस्ट्री, किसी में दोनों में से जियोग्राफी हिस्ट्री में से एक विषय आपको लेना यहां अनिवार्य है। जियोग्राफी के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, सिविक्स भी ले सकते हैं। अब देखिए हिस्ट्री के साथ आप जियोग्राफी ले सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं और सिविक्स ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपके लिए कंपलसरी है। माने इसके साथ जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, आप चाहें तो जियोग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स ले लें, आप चाहें जियोग्राफी के साथ सिविक्स ले लें, या आप चाहें हिस्ट्री लें हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी ले लें, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स ले लें, या हिस्ट्री के साथ सिविक्स ले लें। अगर कोई चाहे केवल इकोनॉमिक्स और सिविक्स लेना तो वो नहीं ले सकता एसएसटी में। उसे ध्यान देना है कि उस अभ्यर्थी को एकदम ध्यान समझिएगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री में से कोई एक लेना है, उसके बाद इन तीन में से कोई एक विषय का चयन कर सकता है, ठीक। उसमें कंपलसरी है इतिहास या भूगोल को लेना, तो इसलिए इकोनॉमिक्स और सिविक्स अगर कोई केवल चाहे तो नहीं ले सकता, वो जब भी लेगा वह इनके हिस्ट्री या ज्योग्राफी के साथ लेगा। कोई हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी के साथ अब इकोनॉमिक्स या सिविक्स ले सकते हैं। केवल दो विषय चूज करना हो, कितने, केवल दो सब्जेक्ट, अदर स्टेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अदर स्टेट अगर अदर स्टेट या स्टेट पेपर फर्स्ट पास है तभी, या स्टेट पेपर फर्स्ट अगर पास है तभी आवेदन कर सकता है, अन्यथा आवेदन नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने एक संपूर्ण वीडियो बनाई है इसके पूरे सिलेबस के पाठ्यक्रम पर, वहां पर जाके देख लीजिएगा। अब मैं आपके 9-10 वाले में अगर कोई डाउट हो तो कर सकते, पूछ लूं, ठीक। इसका जो सब्जेक्ट का वो है टर्म है कि कौन कौन से कौन कौन विषय ले सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वहां पे आप देख लीजिएगा। दूसरा मैं और लेकर चल रहा हूं, अब यहां पर है उच्च माध्यमिक, मतलब यहां पे जो आपका था वो ये टीजीटी, एक तरह से ये हो गया टीजीटी। अब जो हम लेके आ रहे हैं ये हो जाएगा वर्ग, अगर हम बात करें कि ये वर्ग 11 और 12 जिसे हम पीजीटी के नाम से जानते हैं। इसके लिए भी योग्यता अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता में आपके पास बीएड होनी चाहिए, आपके पास बीएड अनिवार्य है, बीटीसी का अभ्यर्थी नहीं, बीएड होना चाहिए। फिर एस्टेट, आप बिहार में जो एस्टेट हुआ है वह एस्टेट का पेपर टू आप पास होंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। इसे विषय की जो सीरीज है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी स्वतंत्र विषय के रूप में किसी विषय को ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट की मैं एक अलग वीडियो बनाया हूँ, कैसे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, कैसे सब्जेक्ट का विषय का चयन कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एकदम स्पष्ट रूप से बताया। अदर स्टेट के अगर अभ्यर्थी हैं तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो एस्टेट पेपर टू वो पास होने चाहिए। दूसरी बात, वहां पर बीएड भी होना अनिवार्य है, बीएड हो एस्टेट पेपर सेकंड होगा तभी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इससे जुड़ा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक। मैं वापस आता हूं जूनियर की तरफ, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती के लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अब जरा एक बार फटाफट अपने सवाल पूछ लीजिएगा, उसके साथ इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। कुछ सेकंड है कि एक बार पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं फेसबुक पे, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर शेयर जरूर कर दीजिए। फिर उसके बाद एक तरफ सवाल पूछिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ क्रमवार रूप से देंगे। एक बात जानिए, बिना पढ़े नौकरी नहीं मिलेगी, उतना आसान बीपीएससी नहीं जितना लोग आपको कह दे रहे हैं, जितना भलुआ समझ रहे हैं। कॉम्पिटिशन पिछली बार से ज्यादा हो जाएगा, बेशक 32,000 लगभग पद है, जूनियर में बीटीसी बीएड दोनों अभ्यर्थी इसमें मेहनत करेंगे, जिसकी मेहनत सबसे अच्छी होगी और उसके साथ साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड एक अच्छे रणनीति के साथ पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ध्यान रहे, आपको अपने टाइम को सबसे पहले मैनेज करना होगा पेपर देने से पहले। जो विषय जैसे भाषा है पास करना अनिवार्य है, तो वो आप अगर आप अभी तक अच्छे अभ्यर्थी हैं तो आप पास कर जाएंगे, और
मैं इसीलिए कहता हूं हमेशा पढ़ते रहा करिए, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती, पढ़ाई कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी घर वाले पड़ोसी या कोई कोचिंग वाले कोई घुट्टी नहीं घोर के आपको दे देंगे या कोई आप दवा दे देंगे खा लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी मेहनत में इतनी सी भी कमी रह जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो लोग बधाइयां देंगे, और नहीं हुआ तो आपको गालियां देंगे, फलाने की बिटिया हो गई, फलाने की बेटवा हो गया, उनका देखा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे इतने दिन से पढ़े थका हुए। ठीक, तो इसलिए आपको अपनी मेहनत में कहीं कतई कमी नहीं करना है। पेपर एनसीईआरटी से ही बनते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के प्रश्नों को इतना उलझा कर पूछते हैं कि वो समझ में नहीं आता प्रश्न बना कहां से। इसलिए एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ लेते हो सबसे बेस्ट है। अगर बुक नहीं है, समय कम है, नोट्स अगर आपको मिल जाए, किसी के पास से मिल जाए, जरूरी नहीं कहीं से ले, आप नोट्स पर फोकस करिएगा। ऑनलाइन क्लासेज कोचिंग से बचने का प्रयास करिएगा। 30 दिन में कोई सिलेबस नहीं पूरा पढ़ा पाएगा, घोल कर आपको नहीं पिला पाएगा, उड़ा उड़ा कर पढ़ाएगा। और आप सेल्फ स्टडी करिए, दुनिया की सबसे बेस्ट स्टडी जो होती है सेल्फ स्टडी होती है। कहीं भी पढ़ लीजिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, याद तो आपको करना पड़ेगा, टॉपिक को समझना तो आपको पड़ेगा। क्या किसी के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है यूं घुमा देगा और आपके दिमाग में चीजें फीड हो जाएंगी और आप जाके परीक्षा हाल में कराएंगे? परीक्षा हाल के अंदर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपकी रणनीति ही आपके साथ देगी। इसलिए हर दिन प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिएगा, चाहे वो बीपीएससी का ही हो, चाहे कोई हो जैसे जो आपके सिलेबस में हो, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और परीक्षा में विकल्प को चयन करने का जो माइंड का कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं, बाहर तो उनको प्रश्न आता है, परीक्षा हाल के अंदर नहीं आता। और सफल और असफल व्यक्ति में 2 से 5 नंबर का अंतर होता है। आप उठा के देख लीजिएगा, अच्छे बच्चे जितने हैं वो 2-4 नंबर 5 नंबर से कट ऑफ से पीछे हैं, ज्यादा पीछे नहीं, ज्यादा पीछे वो लोग सिलेक्शन ही नहीं होता। अब जो 20 नंबर 22 नंबर पा रहा है वो कभी सिलेक्शन पाएगा क्या? लेकिन जो एकदम कांटे पर है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर चुका है, उसी को मेहनत करनी है, बस वही आपको 5 नंबर की तैयारी करनी है, जिस वजह से आपका नहीं हुआ उसी 5 नंबर के लिए अपनी जान झोंक दीजिए। जो टॉपिक आपको पहले से आ रहा है उसे रिवीजन पे लगाइए, उस पर अपना समय मत बर्बाद करिए। जो टॉपिक नहीं आ रहा है, जो आपको कठिन लग रहा है, जो लगता है थोड़ा सा पढ़कर आप समझ सकते हैं, उस पर ज्यादा टाइम दीजिए। कुछ टॉपिक ऐसे होते जो एकदम नहीं आते, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे किसी गणित एकदम नहीं आती, अगर एकदम नहीं आती एक महीना कितना मेहनत कर ले, अगर 10 प्रश्न आ रहा है तो 2 या 3 कर पाएगा, एक महीना कितनी गणित सीख लेगा वो। तो अगर नहीं आ रहा 10 नंबर कम कर दीजिए। अब ये मानिए आपका पेपर 110 में ही है, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 10 में से 2 तो एक आएगा, बाकी को जय माता दी कर देंगे। आप कहेंगे सर ये तो तुक्का वाली बात क्यों बता रहे हैं, मैं आपको परीक्षा की टेक्निक बता रहा हूं, नौकरी कैसे लेनी है। क्योंकि नौकरी लेने के लिए जब परीक्षा हाल के अंदर आप होंगे तो आप अपने दिमाग का पूरा पूरा प्रयोग करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो वही है, हर बार की तरह 2 नंबर 3 नंबर से पीछे रह जाएंगे। कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं कि 12 प्रश्न 15 प्रश्न छोड़ देते हैं, हमको नहीं आ रहा था। अरे भैया 15 प्रश्न को कुछ गोला लगाते 2-3 प्रश्न सही होता। अब कहेंगे सर आप तुक्का लगाने की बात कैसे कर दिए, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ने से बढ़िया है कोई विकल्प का तो चयन कर ले। इसलिए मैं इसको ये कहूंगा कि आप सबसे पहला काम एनसीईआरटी को 1 हफ्ते के अंदर कवर करिए। 6 की एनसीईआरटी है, बैठिए 6 घंटे में खत्म। 7 की एनसीईआरटी 6 घंटे में खत्म। 8 की एनसीईआरटी 6 घंटे में खत्म। 1 दिन या 2 दिन में 1 विषय खत्म करना है आपको, चाहे जैसे हाईलाइटर लीजिए या नोट्स लीजिए, उसकी प्रिंट आउट करा लीजिए, पीडीएफ में लीजिएगा ताकि आपके पास समझ पहुंच जाए। और आप पीडीएफ में ऐसे ही लिखते जाइए, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। परीक्षा के 2 दिन पहले जैसे उसको पलटेंगे आपके दिमाग में उसकी पूरी चित्र बन जाएगी, याद करेंगे नहीं भूलेगा नहीं, मतलब याद की जरूरत नहीं पड़ेगी, भूलेगा नहीं। जैसे मैं पूछूं आपके पापा का नाम क्या था, आपका घर कैसा दिखता है, उसकी चित्र आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगी, आपके दिमाग में उसकी चित्र बन जाएगी। अगर मैं पूछूं कि 3 का पहाड़ा क्या होगा, आपके दिमाग में 3 का पूरा पहाड़ा जाता है, माने जो चीजों को आपने कहीं सुना है पढ़ा है लिखा है वो आपको आपके सामने आते ही तुरंत याद हो जाता है। इसलिए क्लास लेने से बचिएगा, नोट्स लेने से बचिएगा। अगर आपके पास खुद का नोट्स सबसे बेस्ट नहीं है तो एनसीईआरटी वगैरह लेने का प्रयास करें, क्योंकि चीजें एक जगह आपको मिल जाती हैं। वैसे अगर आपको लगता है किताबें तो किताबें भी पढ़ सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत राय है। मैं फिर से आपके सवाल ले लेता हूं, इसी के साथ ये सेशन मैं यहां पे समाप्त करूंगा, सेशन काफी बड़ा हो गया है। सर मैं सीटेट मैथ साइंस से पास हूं और ग्रेजुएशन बीए है। देखिए ग्रेजुएशन बीए है और सीटेट मैथ साइंस से पास है, देखिए एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन यहाँ पे अगर हो सकता है लास्ट काउंसलिंग के टाइम अगर बीपीएससी रोक दे तो आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत स्ट्रीम से पास हैं। तो इसलिए इस स्ट्रीम के लिए आपको एकदम ध्यान देना है कि आप ये ध्यान रखिए कि आप पेयरिंग में अगर ऑप्शन आता है पेयरिंग में डाल दीजिएगा, अगर पास है ठीक है तो अपनी मार्कशीट यही लगा दीजिएगा। ठीक, रिस्क लेना है लाइफ में आगे बढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हैं, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है, आप इसे माने या ना माने। सीटेट अपेयरिंग वैलिड होगा जब फॉर्म भरा शुरू हो जाएगा, उसमें इसका ऑप्शन खुल जाएगा सीटेट अपेयरिंग के लिए। ठीक, नहीं खुलेगा तो ऐसा ही नहीं, क्योंकि दिसंबर में सीटेट होना है और आप जानते हैं बिना रिजल्ट आए रिजल्ट नहीं घोषित होगा। ठीक, सामने चुनाव भी आचार संहिता अगर लग गई तो रिजल्ट हो सकता है आगे बढ़ जाए।
सर मैं डीएलएड कॉमर्स से हूँ और 6-7 हाँ अगर डीएलएड है और कॉमर्स से तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स तो है डीएलएड है तो 8 स्ट्रीम्स एसएसटी से आप सीटेट दे सकते हैं। ठीक, नोट्स के लिए देखिए ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर, उस पर व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा कि बहुत ज्यादा कॉल हो जाते हैं और वो बेचारा रिसीव नहीं कर पाता ऑफिस वाला। मैं खुद ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स पढ़ता हूँ, मेरी निःशुल्क क्लासेज भी आपके लिए, आप टाइमिंग बताइएगा सब्जेक्ट बताइएगा, मैं डेली आपके लिए दो दो निःशुल्क क्लासेज लेकर आऊंगा, एक एसएसटी के लिए एक साइंस मैथ के लिए, डेली दो निःशुल्क क्लासेज होंगी मेरी और एक एक क्लास दो दो घंटे की होगी और 30 दिन में हम संपूर्ण सिलेबस को फोकस करेंगे, ये फ्री होगी मेरी तरफ से, मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए डेली लेकर आऊंगा। ठीक, और हाँ जो भी साथी निःशुल्क क्लास में जुड़ना चाहते हैं लर्निंग विद दुर्गेश के व्हाट्सएप पर, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें अपना नाम लिखकर ताकि आपको सभी चीजें एक ही जगह मिल जाए। देखिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, ये आप लोग इस पर अपना नाम और जिले लिखकर भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे मैं ये कहूंगा टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर क्लास की लिंक, क्योंकि ढेर सारी क्लासेज होती हैं सबका नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं जाता तो आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वो इतनी मदद करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मैं ले लेता हूँ इसी के साथ इस सेशन में समाप्त करूंगा। एनसीईआरटी नोट कैसे ले, प्लीज देखिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं। और क्या है, मैं सीटेट मैथ साइंस से पास हूँ और ग्रेजुएशन बीए मान्य होगा, मैंने आपके बारे में बता दिया, डीएलएड कॉमर्स से मैंने बता दिया, भर सकते हैं प्लीज बताइए, सीटेट पास हूँ प्लीज बताइए, हाँ भर सकते हैं आप, एचडी का भी क्लास लीजिएगा, एचडी मैंने हिंदी का, अच्छा हिंदी के लिए हफ्ते में दो दिन के लिए, क्योंकि हिंदी देखिए आपको ग्रामर पढ़नी है, ग्रामर साथ पेपर फर्स्ट दोनों तैयार होगा, लिटरेचर पर ध्यान दीजिएगा आप, साहित्य पर ध्यान दीजिएगा, स्कोर अच्छा करेंगे आप। ठीक, मैं बीए साइकोलॉजी हॉनर्स हूँ, 6-8 में क्या मिले, अगर आप साइकोलॉजी हॉनर्स है तो 8 का सब्जेक्ट है, एसएसटी से आप कर सकते हैं। डीएलएड हूँ सर मैं, बीएससी मैथ साइंस से हूँ, एजिबल हूँ, एजिबल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट वालों को बीसी के लिए क्या एज है, देखिए एज के लिए अभी क्राइटेरिया अभी जब कब विज्ञप्ति आ जाएगी तब पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा एज के लिए। हाँ देखिए मैंने आपको पहले वादा किया आपसे, आप जो कहेंगे मैं दो क्लास आपके लिए निःशुल्क लेकर आऊंगा और दो दो घंटे की क्लास होगी, थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसकी एमसीक्यू आप खुद से सॉल्व करिएगा, आप कहेंगे मैं एमसीक्यू क्लास लाऊंगा, आप कहेंगे थ्योरी क्लास लाऊंगा, आप जैसा कहेंगे सजेस्ट करेंगे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मैं आपके लिए वही कर दूंगा। ठीक, जितने भी लोग हैं अपना विषय कमेंट में डाल देंगे, जी की 40 नंबर का जीएस भी निर्णायक है, विषय के लिए मुझे लंबी कई क्लासेस करानी पड़ेंगी। हाँ देखिए नोट्स के सिंपल अभी टेलीग्राम पर पढ़ जाएंगे, टेलीग्राम पर नोट्स के सिंपल पढ़ जाएंगे, पढ़े भी होंगे देख लीजिएगा। ठीक, आपको डबल नोट्स मिलेंगे, देखिए एनसीईआरटी की मिलेंगे साथ ही जो आपके नोट्स है वो भी आपको मिलेंगे। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी बिना नोट्स नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी बेस्ड है और सिलेबस में एकदम साफ साफ बीपीएससी के लिखा एनसीईआरटी के बारे में, अपेरिंग डाल सकते हैं, मेरा होम साइंस है कोई दिक्कत नहीं, होम साइंस देखिए साइंस में भी आता है आर्ट में भी आता है, आप एसएसटी को चयन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन ईयर में अपेयरिंग फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर अपेयरिंग फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड पास हूँ मतलब यार ग्रेजुएशन अपेयरिंग है तो कैसे फॉर्म, बिना डीएलएड ग्रेजुएशन डीएलएड कैसे हो गया आपका। हाँ कर सकते हैं मोनिका जी, साइकोलॉजी हॉनर्स है तो 6-6.5 भर सकते हैं, हरके सर बीपीएससी सीट अपेयरिंग में डाल सकते हैं, अपेयरिंग के लिए ऑप्शन खुलेगा, परेशान ना हो आप लोग, सीट मैथ कब से स्टार्ट करेंगे, एक दो दिन में हम एक क्लास मैथ साइंस की लेंगे एक एसएसटी की, डेली क्लास मेरी दो क्लास रेगुलर होगी, उसके साथ 40 नंबर की जो कॉमन पेपर है उसकी भी क्लास मैं रेगुलर करूंगा, क्योंकि वो सिलेबस छोटा है और सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो जूनियर के लिए आवेदन करे चाहे प्राइमरी माध्यमिक के लिए या उच्च माध्यमिक के लिए, सभी के लिए 40 नंबर कॉमन है, देखिए पेपर के स्टैंडर्ड बहुत हाई रहेगा, पिछले बार से हल्का होगा लेकिन लेवल उतना हलवा नहीं रहेगा, इसको अपने दिल में बैठा लीजिएगा, किसी के कहने में बताइएगा, मेरी व्यक्तिगत सलाह है आपको। ज्योग्राफी हिंदी अप्लाई कर सकते हैं आप, आपके लिए दो, आप एसएसटी भी ले सकते हैं हिंदी भी ले सकते हैं, सीटेट अपीयर सीटेट अपीयरिंग हाँ ले सकते हैं, सीटेट की जूनियर की भी नोट्स आपको मिल जाएगी, सीटेट जूनियर की नोट चाहिए तो सीटेट की भी नोट्स आपको मिल जाएगी, सीटेट जूनियर की भी नोट्स आपको, सीटेट जूनियर की भी नोट्स आपको मिल जाएगी। बस चलिए थैंक यू आपसे, बहुत अच्छा लगा और आपके जो भी सवाल थे इस सवाल में जवाब मिल गया है, और फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी टीचर भी हूँ और गवर्नमेंट टीचर हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं फ्री में आपके लिए क्लास लेकर मैं लर्निंग विद दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में पढ़ाने आता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं आके पढ़ाता हूँ चला जाता हूँ, बस ये है खुशी है कि मेरे द्वारा अगर कोई अभ्यर्थी सफल हो जाता उसकी सुकून उससे बढ़कर कुछ नहीं, एक टीचर के लिए सबसे स्वर्णिम पल वो होता है जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सफल हो जाए, वही उसकी असली कमाई होती है और उसकी वही असली सम्मान होता है, और हम चाहेंगे आप कहीं भी रहें सफल जरूर हो, अपने माँ बाप अपने परिवार का सपना जरूर पूरा करें, और मुझे ये विश्वास है कि आप अपनी मेहनत
कि बदौलत आज नहीं तो कल अपने परिवार का सपना जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि आपके परिवार का सपना, आपका सपना आपके सिलेक्शन से, आपकी सफलता से जुड़ा है। और एक दिन सफलता की शुरुआत हो गई, यकीन मानिए हर आने वाला दिन आपकी सफलताओं का दिन होगा। इसलिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। जो बाद में जुड़े हैं इस वीडियो को पूरा शुरू से देख लेंगे, फिर भी कोई संशय कोई सवाल है इस वीडियो में कमेंट कर देंगे, कोई सुझाव देना चाहते वीडियो में सुझाव दे सकते। इसमें बताई गई चीजें मेरी व्यक्तिगत चीजें थी, मेरा सुझाव था, आप इसे माने ना माने आप वही करिएगा जो आपकी अंतरात्मा कहेगी, वह करिएगा जो आपके माता पिता कहें, क्योंकि आपके माता पिता हमेशा आपको सही मार्गदर्शन देते हैं और हम चाहेंगे आप भी उन्हीं के मार्गदर्शन में उनके आशीर्वाद के साथ आप अपनी अध्ययन अध्यापन की सीरीज आज से ही शुरू करिए, कल से नहीं, आज से अपने सिलेबस तैयार करिए और अपने टॉपिक पर फोकस करना शुरू करिए। कहीं कोई दिक्कत कोई आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ई-लर्निंग बुजुर्ग इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछिएगा, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। बस आप अपना बेस्ट देना कभी बंद मत करिएगा। हो सकता है कई बार कुछ ऐसे भी होंगे क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं हो, कुछ बच जाएंगे, फिर वो रुकेंगे नहीं, अपनी तैयारी लगातार जारी रखेंगे। आज नहीं तो कल उनको सफलता जरूर मिलनी है, एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी और हम ये जरूर चाहेंगे आप सफलता के अंतिम दहलीज तक जाएं। और मेरी शुभकामनाएं आपके, और हम चाहते हैं आप सफल होकर हमसे मिले या ना मिले, याद रखें या ना रखें, लेकिन अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल से सेशन के साथ मिलेंगे, रोज ये चीजें नहीं बात कर पाएंगे, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कल की जो क्लास होगी उसकी टाइमिंग हम आपको बता देंगे, टेलीग्राम पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा पेज को, मुझे इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, आप करें या ना करें, बस मेहनत कभी मत बंद करिएगा, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जब तक सफल ना हो जाइएगा तब तक पढ़ना मत बंद करिएगा, कहीं पढ़िए किसी से पढ़िए, लेकिन तब तक मत कलम को रखिएगा जब तक अंतिम रूप से सफल ना हो जाएगा। थैंक यू आप सभी का। ठीक है जी, निगेटिव मार्किंग नहीं, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं, फिर से मैं आपके एक बार ले रहा हूँ, सबको कहें सर कब से जाने अभी तक गए नहीं है। ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और एक और चैनल है सुपर टेड विद दुर्गेश सर, स्टडी विद दुर्गेश सर, उस पर भी क्लासेज रहेंगी, उस पर ध्यान दीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कुछ वीडियो इस पर रहेंगी, कुछ वीडियो ऊपर, क्योंकि एक दिन में तीन वीडियो ही पढ़ सकती, चार वीडियो ज़्यादा ये तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ठीक है, थैंक यू। इस प्रकार मेरे द्वारा जो भी जानकारी थी मैंने आप तक स्पष्ट कर दी, आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास किया। जब भी मुझे मौका मिलता है गेस्ट करूँ, मैं आपके लिए क्लास लेकर आता रहता हूँ, आगे भी लेकर आता रहूँगा। ये मेरे द्वारा व्यक्तिगत सुझाव था, बाकी चीजें विज्ञप्ति पढ़ लीजिएगा, विज्ञप्ति में जो आपको लगे, जो आपका स्वविवेक कहे उसके हिसाब से अपना आवेदन करिएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा, सफल होइएगा, क्योंकि मेरी आप सभी के लिए शुभकामना है और मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा आप सफल जरूर हो और आप मेहनत जरूर करिएगा। आप मेहनत करेंगे सफलता आपके हाथ जरूर आएगी। अगर आपके अंतरात्मा का वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक करिएगा, लेकिन वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो मिल जाए, सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सभी सवाल के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। आप सभी का थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। इसके अलावा दो चैनल है, सुपर टेड विद दुर्गेश, स्टडी विद दुर्गेश सर, वहाँ पे भी आपको क्लासेस मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी हैं टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े आएंगे, टेलीग्राम पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे देखिए एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल एंड नंबर, इस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक है, नोट्स का नंबर है, तो आप इस पर जुड़े, कोई व्यक्तिगत सवाल है ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। थैंक यू। चाहे वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पर कहीं भी देख रहे थे लाइक करिएगा, इस वीडियो कहीं भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं गेस्ट ग्रुप में आप सभी के लिए निःशुल्क उद्देश्य में राशित में शिक्षा लेकर आता हूँ, आगे भी लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।